हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं बोलने जा रहा हूँ कि आपको जो एक्वेरियम में फ़ीस रखते हो वो फीस को कैसे क्लियर करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ कुछ चीज़ देखना पड़ेगा, वो आप देख लेंगे तो फिर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहले आपको क्या करना है कि आपको डिसाइड करना है आप कौन सा फीस एक्वेरियम में रखेंगे, मतलब आपको गोल्ड फीस रखना है या फिर कैट फीस रखना है या फिर मॉली रखना है या फिर गप्पी रखना है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड फिश होता है शांत स्वभाव की, उसके साथ आप अगर कैट फिश रख देंगे तो फिर वो कैट फिश गोल्ड फिश को मारेगा और उसमें गोल्ड फिश मर सकता है। तो इसलिए आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कौन सी फिश के साथ कौन सी फिश रखना है और वो चूज़ करके आपको लेके आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, अगर आपको एक्वेरियम का पानी जब चेंज करना है तो आप 100% मतलब पूरा पानी मत चेंज कीजिए, क्योंकि पूरा पानी चेंज करने से आप जब उस नया पानी में आप जब मछली को डालेंगे तो वो नया पानी में उसको सूट नहीं हो सकता है। इसलिए आप क्या करेंगे कि 25% पुराना पानी रखिए और 75% नया पानी डालिए। तो क्या होगा, जब पुराना पानी में और नया पानी दोनों एक साथ होगा तो उसमें क्या होगा, आपका फीस ठीक ठाक उसमें सर्वाइव कर पाएगा। और तीन नंबर क्या है, मैं जो करता हूँ कि मेरा जो फिल्टर है वो ऑल टाइम 24 घंटा चलता है। ठीक है, आपको 24 घंटा चलाना है, क्योंकि 24 घंटा चलाने से आपका एक फ़ायदा होता है कि आपका जो पानी है वो एकदम क्लियर रहता है और आपका पानी में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो ठीक ठाक बराबर रहता है। क्योंकि ऑक्सीजन अगर कम रहेगा पानी में तो मछली ऊपर में तैरता रहेगा, एकदम पानी के ऊपर में लेवल में तैरता रहेगा, धीरे धीरे करके जब ऑक्सीजन का लेवल डाउन होता जाएगा तब वो मर जाएगा। तो इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 15-20-25 वाट का एक एक्वेरियम का जो फिल्टर का जो मोटर रहता है वो चलेगा, तो आपका ज़्यादा कुछ करंट खर्चा नहीं होगा। तो इसलिए आप मेरा राय यही है कि आप उसमें 24 घंटा मोटर चला के रखें फिल्टर का। उसके बाद क्या करना है, हर हफ्ता आपको उस पानी में एंटी फंगस और एंटी बैक्टीरिया का जो लिक्विड ड्रॉप है वो देना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो मछली है जो एक्वेरियम के अंदर पॉटी करता है वो पॉटी जमा होते होते उसमें बैक्टीरिया जमा हो जाता है पानी में। तो बैक्टीरिया क्या करता है, आपका जो मछली है उसको उसमें आपका इफेक्ट करता है और उसमें आपको उस मछली के बॉडी में फंगस लग जाता है तो उसमें वो बीमार हो जाता है। इसलिए वो बीमार रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसमें हर हफ्ता आपके जैसा पानी है उसी पानी के हिसाब से पीछे में लिखा रहता है कि कितना ड्रॉप आपको देना है, इस इतना पानी के हिसाब से इतना ड्रॉप आपको देना पड़ेगा, तो वो आपको देना पड़ेगा, उसमें दवाई देना है हर हफ्ता। और आप जब नया पानी डालेंगे, मैं जो बोला 25% पुराना पानी रखना पड़ेगा और 75% नया पानी डालना पड़ेगा, तो उसी टाइम पे आपको क्या करना है, पानी में आपको एंटी फंगस और एंटी बैक्टीरिया का दवाई भी उसमें डाल देना है, क्योंकि नया पानी रहता है, नया पानी में आपका बैक्टीरिया हो सकता है, उसी के लिए आपको उसमें डाल देना है। और आपको क्या करना है, आपका जब विंटर सीजन आएगा मतलब जो ठंडे का मौसम आएगा उसी टाइम पे क्या होता है, पानी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो पानी का टेम्परेचर डाउन होने से क्या होता है, फिश के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, फिश सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो वो मर जाएगा। क्योंकि पानी का टेम्परेचर मछली के लिए कौन सा बेस्ट है, 25 डिग्री से 30 डिग्री तक पानी का टेम्परेचर एक एक्वेरियम फिश के लिए सबसे बेस्ट है। तो जब विंटर सीजन आता है तो उसी टाइम पे क्या होता है, 20 के नीचे 10 से 20 के आसपास वो पानी का टेम्परेचर चलाता है, तो उसी में क्या होता है, उसमें उसका जो बॉडी है बॉडी में वाइट स्पॉट आ जाता है, उसी हॉट स्पॉट को आप अगर नहीं देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके वो मछली एक्सपायर हो जाएगा। इसलिए देखते हैं आप कि ठंडे के मौसम में आपका फिश ज़्यादा एक्सपायर होता है, तो इसलिए आपको क्या करना है, एक हीटर लगाना है और एक थर्मोमीटर लगाना है। थर्मोमीटर क्या करेगा, थर्मोमीटर आपका पानी का टेम्परेचर को काउंट करेगा, कितना उसका टेम्परेचर है वो आप देख सकते हैं, और हीटर आपका पानी का टेम्परेचर को लेवल में लेके आएगा। वो सिर्फ आप विंटर सीजन में लगा दीजिए, बाकी टाइम आप खोल के रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या करना है, और आपको हर दिन आपका जो एक्वेरियम में जो फीस है उसको देखना पड़ेगा थोड़ा,
देखने से आपको क्या पता चलेगा कि वो आपका ठीक ठाक पहले जैसा है या फिर उसका जो मूवमेंट थोड़ा स्लो हो गया है या फिर उसका बॉडी में कुछ चेंजेस आया है। तो वो आप हर दिन 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितना आपको टाइम लगेगा उतना आप थोड़ा बहुत देख लीजिए। तो देखने से आपको क्या होगा कि जितना आप देखेंगे उतना आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहा है, और वो चेंजेस होने के बाद ही आप उसमें ऐसे हिसाब से उसको आपको दवाई देना पड़ेगा कि उसका अगर फंगस हो गया या फिर उसमें अगर व्हाइट स्पॉट आ गया या फिर उसका कोई उसको मार के कहीं पे बॉडी में डैमेज आ गया है। तो वो सब आप देखने से सबको समझ में आएगा। आप अगर नहीं देखेंगे आप जानते हैं कि ठीक है मैं एक्वेरियम में पीस छोड़ दिया, छोड़ो जो होगा होगा, मुझे उतना देखने का जरूरत नहीं है। तो ऐसे करने से नहीं होगा, ऐसे करने से आपका मछली मर भी जाएगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा किस लिए मरा। आप मछली नया लेके आएंगे आपका मछली मरते जा रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, तो आप बोलेंगे मेरा मछली क्यों मर रहा है। तो इसलिए ये सब देखना पड़ेगा, जरूर देखना पड़ेगा। और क्या करना है आपको, दिन में 2 बार खाना देना है आपको, सुबह में 1 बार देना है, शाम को 1 बार देना है। मगर 2 बार जो खाना देना है वो एकदम कम कम करके देना है। जैसे आपका अगर एक मछली रहेगा तो उसका अगर साइज थोड़ा बड़ा है तो उसको आप एक एक मछली के हिसाब से 5-5 दाना दे दीजिए। अगर छोटा है जैसे गप्पी मौली ऐसा छोटा छोटा अगर रहेगा तो एक एक के हिसाब से 2-2 करके दाना दे दीजिए। तो जैसे उसका साइज रहेगा उसके हिसाब से थोड़ा, मतलब एकदम नहीं कि वो आप खाना दे दे रहे, खाना देने के बाद ही वो ख़त्म कर दे रहा है, 1 मिनट में ख़त्म हो गया खाना। आप सोचेंगे नहीं और भी देना होता तो अच्छा होता क्योंकि इतना जल्दी ख़त्म कर दिया। ऐसे मत कीजिए क्योंकि जितना आप ज़्यादा खाना देंगे उसके लिए उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो दाना पेट में जाके वो दाना क्या होता है फूलता है, और फूलने के बाद क्या होगा वो उसका बॉडी में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा खाना वो खा लेगा, अगर पेट अगर फूल गया तो वो मर जाएगा, सांस लेने में उसका दिक्कत होगा, वो मर सकता है। इसलिए आप ज़्यादा खाना मत दीजिए, ज़्यादा खाना नहीं देने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, ज़्यादा खाना खाएगा तो ज़्यादा पोटी करेगा, ज़्यादा पोटी करेगा तो आपका पानी बहुत गंदा होगा। इसलिए आपको अगर पानी बचाना है, आपको अगर पानी को कम से कम चेंज करना है तो आपको कम खाना देना पड़ेगा। कम खाना देने से आपका मछली का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि आप दिन में 2 बार खाना दे रहे हैं, ठीक है। ये सब बात अगर थोड़ा बहुत आप देख लेंगे तो आपका मछली एकदम नहीं मरेगा, क्योंकि मेरे पास जो एक्वेरियम है मेरा मछली कम से कम मेरा आज हो गया 5 साल तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, ना ठंडी में मरता है ना ऐसे सीजन में मरता है, कुछ नहीं होता है। मेरा एक एक छोटा छोटा पीस में एकदम छोटा छोटा पीस लेके आया था वो आज बहुत बड़ा हो गया है, मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा कितना बड़ा बड़ा पीस हुआ है, ठीक है। तो मैं इसलिए आपको ये सब बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा भी ये प्रॉब्लम आया था। मैं भी जब पहले एक्वेरियम लेके आया था मैं भी पहले केयर नहीं करता था, तो मेरा मछली क्या होता, मैं आज लेके आया था 1 हफ्ते के अंदर मेरा मछली मर रहा है, मैं परेशान हो गया था। परेशान होकर मैं एक्वेरियम को घर में पैक करके रख दिया था, नहीं छोड़ दो और नहीं होगा, इतना मछली मर रहा है क्यों मर रहा है, दूसरे का मरता नहीं मेरा ही मर जाता है। तो उसके बाद मैं धीरे धीरे करके रिसर्च किया, उसके बाद देखा कि क्या क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं करना चाहिए। ये सब देखने के बाद आज मेरा 5 साल हो गया, मतलब 5 साल पहले मेरा तो 10-15 साल से मेरा एक्वेरियम है, मगर अभी क्या हुआ है अभी रिसेंट मेरा 5 साल तक एक एक मछली मरा ही नहीं, हर एक मछली मेरे पास है। तो इसलिए मैं आपको भी बोलना चाहता हूँ कि आप भी ये थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए तो आपका भी सेम होगा, आपका भी मछली मरेगा नहीं। तो ऐसे करके आप केयर कीजिए आपके एक्वेरियम का, और बाकी मैं और जितना भी होगा मैं बाद में बोलता जाऊँगा धीरे धीरे करके। आप मेरा जो YouTube चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं वीडियो देख लेते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते हो। एक वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है और उस वीडियो आप देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मुझे बुरा लगता है कि आप लोग मेरे साथ नहीं दे रहे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो देखें मेरा और मेरा वीडियो सब्सक्राइब कीजिए तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी बाद में नया नया वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। मैं कलर फीस और बाट के लिए बहुत कुछ लेके आऊँगा क्योंकि मेरा जो 10 साल का एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, धन्यवाद।